किसी चमत्कार से कम नहीं सोहरतगढ़ से अपना दल के विनय वर्मा की जीत। अब सोहरतगढ़ को सोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाना है विनय वर्मा की इच्छा। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। सोहरतगढ़ से अपना दल के विनय वर्मा की जीत खुद में बहुत मायने रखती है। सोहरतगढ़ उनके लिए अजनबी जगह थी। टिकट उनको नामांकन के दिन मिला, मसलन कुल मिलाकर उनको चुनाव लड़ने, अपने और सहयोगी दल को सहेजने, क्षेत्र को समझने के लिए बाकी लोगों के मुकाबले ना के बराबर समय मिला। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सबको सम्मान देने की उनकी आदत रंग लाई। अजनबी धीरे धीरे अपने होते गए, साथ चलने भी लगे। लोगों को विनय में एक उम्मीद नजर आने लगी और अंत में लोगों ने ना केवल उनको अपना माना बल्कि उनके पक्ष में जमकर मतदान भी किया। विधायक बनने के बाद विनय वर्मा की इच्छा है कि अब वह सोहरतगढ़ को सोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाएं। मालूम हो कि इसके पहले भी विनय गोरखपुर से इसी तरह बतौर निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। उस समय भी हालात करीब इसी तरह थे। चुनाव जीतने के बाद वह क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, लोगों के सुख दुख में वह किसी न किसी रूप में खड़े रहे। अपने कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे अच्छे जिला पंचायत सदस्य के रूप में सम्मानित हो चुके हैं। फिलहाल तो उनका दावा है कि अब वह सोहरतगढ़ के हैं और सोहरतगढ़ के लोग उनके मान सम्मान और क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह जीत उनके स्वर्णकार समाज की भी जीत है, जो शुरू से भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, पर उसे उसके अनुसार राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। समाज के प्रमुख लोगों ने भी विनय को इस मुकाम तक पहुंचाने में जी जान लगा दिया। स्वाभाविक है, क्षेत्र के लोगों के साथ समाज को भी उनसे उम्मीदें हैं। इन दोहरी चुनौतियों में से उनको अवसर निकालना होगा।